लेकिन शायद उस वक्त सबको शहबाज शरीफ की रॉकेट स्पीड चढ़ी हुई थी कि वो रॉकेट की तरह काम करता है, रॉकेट की तरह काम करता है शहबाज शरीफ। ये रॉकेट की तरह उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, डुबा दिया पानी में। मेरी नज़र में आज पाकिस्तान की कम अज़ कम मईशत के हिसाब से, और मुजम्मिल और बिलाल उस पर बात करेंगे, ब्लैक डे है, काला दिन है आज। मुझे ज़रा बताएं, यही वजह थी कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने शौकत तरीन साहब जो कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास भेजा और उनको समझाया कि अगर आप इस रजीम चेंज को आप फैसिलिटेट करते हैं, जो कि पता चल गया कि फैसिलिटेट हो रहा है, उन्होंने किया है, तो ये मुल्क की इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी, यानी कि वो मईशत जिस तरह उस स्लिपरी स्लोप गिरना शुरू होगी, यह संभाली नहीं जाएगी किसी से। लेकिन शायद उस वक्त सबको शहबाज शरीफ की रॉकेट स्पीड चढ़ी हुई थी कि वो रॉकेट की तरह काम करता है, रॉकेट की तरह काम करता है शहबाज शरीफ। ये रॉकेट की तरह उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, डुबा दिया पानी में। उसे कहते हैं ना कि वो अब ये मेरे ख्याल में मुजम्मिल ये सारे जो है ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे पीडीएम वाले, तो तीर तो उनके पास है ही, एक इनकी पीडीएम की जमात का, वो कहते हैं पीडीएम में नहीं है तीर, अब उनको इनका सबका निशान होना चाहिए, इंतकाबी निशान, उल्टा तीर, तीर उड़ा था अच्छी खासे उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया और जी हम चलाएंगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब इनका उड़ता तीर होना चाहिए निशान, इलेक्शन सिंबल। कैबिनेट मीटिंग हुई थी आज, कैबिनेट मीटिंग में क्या फरमा रहे हैं, 15% जी हम पता नहीं कर्जे वो खर्चे काट देंगे। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी में हियरिंग हुई कि जी खर्चे जो हैं 7 करोड़ की, पता नहीं कितने की ट्रैवल। इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसा वर्ल्ड रेनाउंड इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर, दुनिया में लेक्चर देते हैं, उनके पेपर्स पब्लिश होते हैं, शौकत खाना उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से चलाया और वो जिस तरह चल रहा है वो दुनिया में उसके ऊपर उसको इनाम मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो था इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर।